अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज़ अबाउट द वेव्स, टाइप ऑफ द वेव्स। हम इसमें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वेव होती क्या है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अ वेव इज़ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम विच कॉजेज द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट देयर मीन पोजिशन इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। क्या डिफाइन किया हुआ है इसमें बुक में वेव को, दिस इज़ डेफिनेशन। वेव क्या होती है, एक ऐसी चीज़ है हमारे पास जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है। क्या वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करती है, किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स, और वो मुसलसल अंडरगो वाइब्रेटरी मोशन, परफॉर्म ही करते रहते हैं वाइब्रेटरी मोशन को बार बार, जिसकी सूरत में हमारे पास एक वेव प्रोड्यूस करती है। एंड टाइम की भी यहाँ पर बात आ गई है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब थोड़े थोड़े से वक्फे के बाद से एक एक सेकंड के बाद। लाइक इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक पानी है वो हमारे पास स्टिल जो है वो पड़ा हुआ है। अब वो जो पानी है वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पे स्टिल, उसके अंदर हमने डिप किया या कोई पत्थर फेंका तो उसके जो पार्टिकल्स थे पानी के अंदर, जो वाटर के पार्टिकल्स थे वो डिस्टर्ब हो गए। वो जो पत्थर हमने फेंका था वो डिस्टर्बेंस हो गई उस खड़े हुए मीडियम में, पानी के मीडियम में, और उन पार्टिकल्स ने क्या किया, अपनी ही जगह पर टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मूवमेंट करना शुरू कर दी, यानी टू एंड फ्रो मूवमेंट की, तो वो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने लग गए। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गई, एक वेव प्रोड्यूस हो गई। द नेक्स्ट इज़ देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। कौन कौन सी, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब वेव्स दो तरह की हैं जो नेचर में हैं हमारे पास, एक तो मैकेनिकल वेव और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। मैकेनिकल वेव क्या है, वेव्स विच रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। सच वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए, एक से दूसरी जगह पर पहुंचने के लिए कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर होता है, से साउंड वेव्स। अगर साउंड वेव्स रिक्वायर कि वो एक से दूसरी जगह प्रोपगेट करें, यानी ट्रैवल करके दूसरी जगह पहुँचें, तो हमारी साउंड वेव्स को हमेशा एयर पे ट्रैवल करके एक से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हमारी साउंड वेव्स वहाँ पे ट्रैवल कर ही नहीं सकती जहाँ पे एयर हो, नहीं हो। तो ऐसी वेव्स बहुत सी और भी होती हैं जिनको एक से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए कोई ना कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर हो, उसको हम कहते हैं कि वो मैकेनिकल वेव होती है। एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, एग्जांपल्स ऑफ द मैकेनिकल वेव्स आर वाटर वेव्स, साउंड वेव्स एंड वेव प्रोड्यूस्ड यूजिंग स्ट्रिंग्स एंड स्प्रिंग्स। अच्छा, स्ट्रिंग्स और स्प्रिंग्स की भी बता देती हूँ। अक्सर बचपन में बच्चे ये खेल खेला करते हैं कि वो एक टेलीफोन बनाते हैं और एक धागा लगाते हैं तार की जगह, और एक एंड पे एक कप और दूसरे एंड पे दूसरा कप, और उसको स्ट्रेच कर लेते हैं। एक तरफ से एक बच्चा बोलता है तो दूसरी तरफ आवाज़ सुनाई देती है। तो बेसिकली वो भी जो हमारी साउंड है वो उस थ्रेड के थ्रू जो है वो ट्रैवल करती हुई, स्ट्रिंग के थ्रू ट्रैवल करती हुई जा रही होती है। सो दिस इज़ एग्जाम्पल ऑफ दैट। द सेकेंड वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को देखते हैं। वेव विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ऐसी वेव्स जिन्हें एक से जगह दूसरी, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम रिक्वायर ना हो, कोई भी उन्हें सहारा नहीं चाहिए एक से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, जो स्पेस में भी इजीली ट्रैवल कर लेती हैं जहाँ पे एयर नहीं होती, वो वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फॉर एग्ज़ाम्पल टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज एंड लाइट वेव्स एट्सेट्रा, ये तमाम इसकी एग्जांपल्स आ गई। नाउ द टाइम इज़ टू डिस्कस के ये पेपर में किस तरह से ये हमारी डेफिनेशंस जो अभी हमने पढ़ी हैं वो आती हैं। तो वेव को डिफ़ाइन करना यूजुअली शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, उसके बाद टाइप्स ऑफ द मैकेनिकल वेव जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो अभी जो है हम लोगों ने जो पढ़नी है ना, वो है मैकेनिकल वेव की टाइप्स। मैकेनिकल वेव भी आगे से दो तरह की वेव्स में होती है। एक वेव होती है जी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसका वर्ड यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये बुक में इतना ज़्यादा इसको शो नहीं किया हुआ, बट देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की भी दो टाइप्स हैं आगे से, एक तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है और जो दूसरी वेव है हमारे पास वो है ट्रांसवर्स वेव।
अब देखते हैं ये दो वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल से समझते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव को उन्होंने जिस तरह से आपकी बुक में बताया हुआ है, पहले उस तरह से समझ लेते हैं। ये हमारे सामने एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को ये हाथ जहाँ पे बना हुआ है, ये हाथ वाला जो कोई भी पर्सन होगा उसने खींचा है इस तरफ को। अब ये स्प्रिंग को उसने इस साइड को खींच लिया, इस साइड को खींचने के बाद उसने क्या किया, उसको इस तरफ को मूव किया। अब वो खेल रहा है स्पोर्ट्स स्प्रिंग के साथ, तो इस तरफ को मूव किया। अब वो कभी उसको यहाँ खींच रहा है, कभी उसको वहाँ खींच रहा है। एज़ अ रिज़ल्ट हो क्या रहा है, इसी स्प्रिंग के अंदर कुछ जगहों पर जो स्प्रिंग के लूप्स हैं वो क्लोज हैं, और कुछ जगहों पर जो स्प्रिंग के लूप्स हैं वो खुले हुए हैं। यहाँ पे क्लोज़ है, यहाँ पे खुल गया, यहाँ पे स्प्रिंग। तो स्प्रिंग क्या कर रहा है कि अपनी एक ही पोजीशन पर, यूँ इस वाली पोजीशन पे, किसी जगह पर उसके लूप्स जो हैं वो क्लोज़र अपार्ट हैं, और कहीं पे जो उसके लूप्स हैं वो खुले हुए हैं, फिर कहीं पर जो हैं वो क्लोज़र अपार्ट हैं। सिमिलरली जब हमारी साउंड वेव ट्रैवल करती है, जब हमारी साउंड वेव एयर में ट्रैवल करती है, तो हम जो बोलते हैं तो हमारे जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो किस तरह से वाइब्रेट करते हैं, वो इसी तरह से वाइब्रेट करते हैं जैसे ये इस वक्त स्प्रिंग की मूवमेंट हो रही है। कहीं पर वो कंप्रेस हो जाते हैं और कहीं पे वो रेयरफ्रैक्ट हो जाते हैं, लाइक इस तरह से वो कहीं पे खुले खुले, कहीं पे कंप्रेस्ड, कहीं पे खुले खुले, कहीं पे कंप्रेस्ड। ये जो पोर्शन मैंने दिखाया, इट वाज द पोर्शन ऑफ, क्योंकि ये खुले खुले हैं तो इसको हम रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। रेयर फ्रैक्शन मीन्स खुली खुली जगह, एंड कंप्रेशंस जो मैंने यहाँ पर दिखाई, ये थी रेयर फ्रैक्शंस, ये थी कंप्रेशंस, ये थी रेयर फ्रैक्शंस, ये थी कंप्रेशंस। तो ये जो कंप्रेशंस थी, कंप्रेशंस का मतलब एक दूसरे के साथ कंप्रेस हुआ हुआ, करीब करीब हुआ हुआ। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर वाइल इन द रीजन्स ऑफ रेयर फ्रैक्शन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। क्या होता है कंप्रेशन में, ये देखें कंप्रेशन में क्या उसने बताया हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टुगेदर। पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पास पास, करीब करीब होते हैं। जबकि वाइल क्या होता है, इन द रीजन ऑफ रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन में क्या होती है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर स्पेस्ड अपार्ट। पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। तो हमारी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये ट्रैवल करती हैं कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस बनाती हुई इन एनी मीडियम। डेफिनेशन देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के, ये नीचे ब्लू कलर के ब्लॉक में है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स द पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, वो जिस सिम्थ में से इस डायरेक्शन में अगर वेव प्रोपगेट हो रही है, इस डायरेक्शन में, तो इसी डायरेक्शन के अलोंग कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शंस बनाते हुए मूव कर रहे होते हैं। तो ये होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। सेपरेटली शॉर्ट क्वेश्चन आया करता है कि व्हाट आर कंप्रेशंस एंड रेयर फ्रैक्शंस, तो उसके लिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आपने क्या करना है, अपनी बुक की ये जो स्पेस है ना यहाँ पर, इसी तरह से कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की डेफिनेशन भी लिख लेनी है आपने, और मैं आपको ये ज़ुबानी बोलकर भी बता देती हूँ। काइंडली इसी तरह से इसको यहाँ पर नोट कर लें, क्योंकि प्रॉपर डेफिनेशन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन की क्या है वो हमें पता होना चाहिए। आपने इनको इसी तरह से यहाँ पर नोट कर लेना है। तो व्हाट आर कंप्रेशंस, ये डिफाइन कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। द रीजन्स ऑफ वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ मीडियम आर क्लोज़र टू ईच अदर। रेयर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन, द रीजन ऑफ वेव वेयर पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स आर स्पेस्ड अपार्ट। काइंडली नोट कर लें, ये ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास अगली टाइप ऑफ वेव, विच इज़ ट्रांसफर्स वेव। अब ट्रांसफ़र वेव क्या होती है, हम लोग पहले इस एग्ज़ाम्पल से समझ लेते हैं। यहाँ पर वो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है, आपको नज़र आ रही है, ये भी एक स्प्रिंग है। अब ये जो हैंड है यहाँ पर, ये जो भी पर्सन है वो इसको आगे पीछे नहीं मूव करा रहा, बल्कि इसको ऐसे ऐसे मूव करा रहा है, ऊपर नीचे, ठीक है। यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है, इसके आगे ऊपर नीचे उसको मूवमेंट करा रहा है। एज अ रिज़ल्ट जो स्प्रिंग है ना, वो कुछ इस तरह से इस शक्ल में वाइब्रेट कर रहा है।
अब इस किस्म की जो वेव प्रोड्यूस हो रही है विच इज़ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे है फ्रॉम द मेन पोजीशन, ये वाली मेन पोजीशन से ये उसके कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर और कभी नीचे मूव करती है, इस टाइप की जो वेव होती है उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, ट्रांसफर वेव को कैसे डिफाइन किया हुआ है पहले वो देखते हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफर वेव्स द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ये ब्लू बॉक्स में है कि जो पार्टिकल्स ऑफ मीडियम की वाइब्रेटरी मोशन होती है ट्रांसफर वेव के केस में, कि जब उन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया जाता है, इस परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, वो वेव की प्रोपगेशन के डायरेक्शन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। से अगर इस तरह को वेव प्रोड्यूस हो रही है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे होंगे, ठीक है, कंटिन्यूसली। तो ये हो गया हमारा ट्रांसफर वेव। अब यहाँ पर ट्रांसफर वेव में क्या है कि हमारे पास दो पोर्शंस बन जाते हैं वेव के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होती है तो कुछ पोर्शन इसका मेन पोजीशन से ऊपर और कुछ पोर्शन उसका मेन पोजीशन के नीचे होता है। तो ये जो पोर्शन जो मेन पोजीशन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और जो पोर्शन यहाँ पे आपको मेन पोजीशन से नीचे नज़र आ रहा है, लाइक ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम ट्रफ कहते हैं। और क्रस्ट और ट्रफ को भी हमने डिफाइन करना है, जो कि यहाँ पर गिवन है। ये देखिएगा, ध्यान से सुने, अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटेड क्रस्ट एंड ट्रफ विल स्टार्ट ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द फिक्स एंड। ये उस लाइन जो है वो उसी के बारे में बात की है कि आपने ये देखा है कि जो वेव थी क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में, उसे जब हमने डिस्टर्ब किया तो वो दूसरे एंड की तरफ मूव करने के लिए चली गई। अच्छा, आगे देखते हैं, द क्रस्ट्स, क्रस्ट के बारे में बात की है, द क्रस्ट आर द हाईएस्ट पॉइंट्स, नोटेड हाईएस्ट पॉइंट्स, ठीक है, वाइल द ट्रफ्स आर द लोएस्ट पॉइंट्स, नोटेड लोएस्ट पॉइंट्स, किसके, ऑफ़ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स के, कहाँ से होगा, फ्रॉम द मेन पोजिशन, मेन पोजिशन से। इसके अलावा ये तो कंपल्सरी आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में कि क्रस्ट और ट्रफ को डिफाइन करें, तो आप किस तरह से क्रस्ट और ट्रफ को डिफाइन करेंगे वो भी सुन लें, और इस तरह से साइड पे क्रस्ट और ट्रफ की डेफिनेशन को नोट कर लें। मैं इसको रिपीट भी कर देती हूँ, आप लोग काइंडली नोट करते जाइएगा। Crust are the highest point of the particle of the medium from the mean position. Crusts are the highest points of the particle of the medium from the mean position. Trough ko kis tarah define karna hai? Troughs are the lowest points of the particle of the medium from the mean position. Kya hai? Troughs are the lowest points of the particles of the medium from the mean position. Acha, uske baad ek aur jo yahan pe aap logon ne kaam karna hai, is tarah se aapne kaam karna hai, jo diagrams aapne draw karni hai longitudinal wave ki aur transverse wave ki, theek hai, crust aur trough ko define karne ke liye aaye to bhi, ya is topic mein jo भी आपने बात करनी है टाइप में, तो आपने ये दोनों डायग्राम साथ में बनानी है। ये वाली जो ऊपर वाली डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इट इज़ द डायग्राम फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारी इस तरह से ट्रेवल करती है, जिसमें हमारा ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये रेयरफ्रैक्शन का पोर्शन होता है, राइट, और ये जो आपको कंप्रेस्ड पोर्शन नज़र आ रहा है, ये कंप्रेशन का होता है, दिस इज़ रिटन, राइट। ये इसके लिए आप ड्रॉ कर लें ताकि आपको याद रहे कि आपने ये डायग्राम्स बनानी है इन टॉपिक्स के साथ। नेक्स्ट जो हमें यहाँ पे वेव नज़र आ रही है, दिस इज़ द वेव फॉर द ट्रांसफर वेव, दिस इज़ आर डायग्राम फॉर द ट्रांसफर वेव, दिस इज़, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ये क्रस्ट है और ये वाला जो पोर्शन है ये ट्रफ है, ठीक है। और यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्टेंस की बात हुई थी, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल्स की, तो वो मैं आपको समझा देती हूँ कि अगर ये मेन पोजीशन है और ये वेव यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस मैक्सिमम है, एंड देन यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है वो, यहाँ से यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमारा लोएस्ट वाला है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ वेव।